नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। भारत अब बदल गया है, भारत अब पावरफुल हो गया है, भारत को अब दुनिया जानती है और भारत में बने हथियारों की भी दुनिया दीवानी हो गई है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर चीनी हमले के खतरे के बीच दुनिया भर में भारत के हथियारों की जमकर खरीद हो रही है। आलम यह रहा कि भारत ने हथियार निर्यात मामले में साल 2024 में 32.5% की ग्रोथ हासिल की थी, लेकिन अब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत ने कुल 21,083 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% ज़्यादा है। दुनिया भर के देशों को हथियार बेचकर पैसा बनाने वाली सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की कंपनियां शामिल हैं। भारत ने देशों को किलर हथियारों का निर्यात किया, उसमें फिलीपींस और आर्मेनिया प्रमुख हैं। भारत ने ब्रोसोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों का निर्यात किया। आइए जानते हैं कि किन देशों ने भारत से हथियार खरीदा। भारत के हथियार निर्यात से फायदा ये हो रहा है कि देश में इन आधुनिक हथियारों के निर्माण की क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दुनिया के 85 देशों को डिफेंस प्रोडक्ट का निर्यात किया है। भारत की 100 कंपनियां हैं जो लगातार डिफेंस प्रोडक्ट को निर्यात कर रही हैं। इसमें 155 mm की एडवांस तोप, ब्रोसोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम आदि शामिल हैं। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल की कंपनियां बड़े पैमाने पर अब कई उपकरणों को भारत में बनवा रही हैं, जिससे उनका सप्लाई चेन मजबूत हो गया है। भारत में कई हथियारों के पुर्जे तक बन रहे हैं। भारत के हथियारों के निर्यात में यह तेजी इस बात को दर्शाती है कि हिंदुस्तान पर दुनिया अब भरोसा कर रही है। रूस ने जब आर्मेनिया को हथियार देने से किनारा किया तो भारत ने कदम बढ़ाया। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान नेक्सस का सामना कर रहे आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप खरीदी। इसके अलावा भारत आर्मेनिया एंटी ड्रोन सिस्टम भी दे रहा है, जो तुर्की के क्लर ड्रोन के खिलाफ काफ़ी कारगर हो सकते हैं। यही वजह है कि अजरबैजान की सरकार ने खुलकर भारत के कदम का विरोध किया है और नाराजगी जताई है। लेकिन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत लगातार दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान को उतारकर भारत ने पहले ही अंतरिक्ष में अपनी धाक जमा दी है। अब दुनिया के लिए हथियार बनाने वाली टॉप कंपनियों में भारतीय कंपनियों ने अपनी जगह बनाई है, और जब हथियार बनाने वाली कंपनियों में कभी अमेरिका और चीन का दुनिया में दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत हर क्षेत्र में आगे लगातार बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने के बाद अब भारत हथियार बनाने वाली टॉप कंपनियों में भी जगह बना चुका है। लेकिन भारत की इस तरक्की पर आपकी क्या राय है? भारत की इस नीति पर आप क्या सोचते हैं? एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।